जहां छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायकों की बैठक को लेकर खबर है। रायपुर में बीजेपी ऑफिस में ये बैठक जारी है। सभी नवनिर्वाचित विधायक बैठक में मौजूद हैं। तो रायपुर में बीजेपी ऑफिस में जारी बैठक को लेकर बड़ी खबर, लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ में सीएम नाम की चर्चा को लेकर डिटेल आपके सामने, क्योंकि यहां पर देख लीजिए किस तरीके से नंदकुमार साय के साथ साथ अरुण साव के नाम को लेकर चर्चा की जा रही है। और ये इंपॉर्टेंट है कि आखिर किस आधार पर अब छत्तीसगढ़ में बैठक के दौरान सीएम नाम पर चर्चा की जा रही है। हालांकि आपको बता दें, रायपुर में बीजेपी विधायकों की जिस तरीके से बैठक हो रही है, वहां पहुंचे नवनिर्वाचित विधायकों से TV9 संवाददाता राजीव ने बात की है। और बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने सीएम पद पर कहा कि पार्टी तय करेगी सीएम का फैसला। हमारे साथ में अरुण साव जी से बात करेंगे। अरुण जी, बताइए कि अभी यहाँ पर विधायकों की बैठक बुलाई गई है, क्या रणनीति है, विधायकों से क्या बातचीत की जाएगी? कोई बैठक नहीं बुलाई गई है। हमारे प्रभारी सह प्रभारी आए हुए हैं, उन सबसे हमारे विधायक मिलने आए हैं, उनको धन्यवाद और बधाई देने आए हैं। हम सब विधायक जितने लोग भी आ जाएंगे, उन सबसे आपस में मिलेंगे, खुशियां साझा करेंगे। उसको चर्चा भी की जाएगी, मुख्यमंत्री पद को लेकर भी बहुत सारी चर्चा है। देखिए, आपको मालूम है कि उसकी प्रक्रिया कैसे होती है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। और छत्तीसगढ़ के पंथरिया से विधायक बनी भावना वोरा ने TV9 संवाददाता राजीव सिंह से बात की और इस जीत को प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक बताया। नवनिर्वाचित विधायक भावना जी हमारे साथ में है। भावना जी, सबसे पहले तो जीत की बधाई, जीत के फैक्टर क्या क्या रहे? देखिए, जीत के लिए मल्टीपल फैक्टर्स काम किए हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि जो कांग्रेस सरकार जो पिछले 5 साल में लोगों ने जो इनका काम देखा है, जिस तरीके से कथनी करने में जो अंतर देखा, विभिन्न विषय हैं, शराबबंदी का विषय हो, किसानों का विषय हो, युवाओं का जो बेरोजगारी का विषय हो, बहुत सारे ऐसे हैं लगातार जो छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहा है, जुए सट्टे का जो कारोबार फल फूल रहा है, तो हर एक घर का व्यक्ति मुझे लगता है उन चीजों को लेकर के बहुत चिंतित था। और ये लोगों की समझ में, जनता की समझ में आ गया था कि जब तक यह कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ का विकास नहीं हो रहा है, बल्कि हम पीछे चले जा रहे हैं। तो जनता ने तो अपना रुख बना ही लिया था और जो प्रचंड बहुमत के साथ कल यहाँ पे कमल फूल खिला है और हमारी सरकार बनने जा रही है, तो जनता का एक जो बहुमत है वो भी हमें स्पष्ट दिखाई दिया, उनका विश्वास दिखाई दिया है। ये मोदी की गारंटी काम आई? निश्चित ही। देखिए, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी, बल्कि मुझे लगता है पूरा देश और देश की और विदेश भी मोदी जी की कही हुई हर बातों पर विश्वास करता है और जनता ने भी वो विश्वास दिखाया है कि 3 सीटें जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की आई है, हर प्रत्याशी और प्रचंड बहुमत के साथ जो जीत करके आए, तो निश्चित ही हम सबका और पूरे देश का मोदी जी की गारंटी पर भरपूर विश्वास है। आपको क्या लगता है किसके नाम पर मुहर लगनी चाहिए? देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व का विषय है, संगठन का विषय है और हम एक सिपाही भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो हमें जिसको साथ देने को कहा जाएगा कि आपके सेनापति हैं, इनके साथ मिलकर आपको काम करना है, तो निश्चित ही हम सब उस पर विश्वास करके और आगे काम करने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। और सीधे रायपुर करते हैं, हमारे सहयोगी राजीव सिंह इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राजीव, बैठक को लेकर फिलहाल क्या अपडेट, क्योंकि जिस तरीके से नामों की चर्चा हो रही है, लगातार आप यहाँ पर वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत भी कर रहे हैं और एक ही जवाब जो आला कमान को मंजूर होगा वही हमें। देखिए, बैठक चल रही है, जैसे से एक एक विधायक पहुंच रहे हैं बीजेपी ऑफिस में, वो सीधे तीसरी मंजिल पर जाते हैं, वहां पर अरुण साव भी पहुंच गए हैं, मनसुख मांडविया और मुख्य प्रभारी जो है ओपी माथुर, वो पहले से ही पहुंचे हुए थे। तमाम विधायकों से 1-to-1 मुलाकात चल रही है, यानी कि विधायकों के साथ सीधे तौर पर कह सकते हैं कि रायशुमारी चल रही है। हर एक विधायक की इच्छा क्या है, वो किसे मुख्यमंत्री पद के तौर पर देखना चाहता है, चेहरा किसे देख रहा है मुख्यमंत्री पद के तौर पर, उनसे जानने की कोशिश की जा रही है और बाद में इसी चीज की जानकारी केंद्रीय नेतृत्व को दी जाएगी और उसके बाद में विधायक दल की बैठक कब होगी ये तारीख तय करके फिर विधायकों के जरिए ही शायद वो प्रस्ताव रखा जाएगा कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, यानी कि पहले से ही चीजें तय की जाएगी, केंद्रीय नेतृत्व को जो है उस बारे में जानकारी दी जाएगी, फिर केंद्रीय नेतृत्व जब मुहर लगाएगा तब वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा फाइनल होगा, लेकिन उसे आधिकारिक तौर पर अमलीजामा पहनाने के लिए विधायक दल की बैठक होगी और उसमें उसका प्रस्ताव रखा जाएगा। फिलहाल यहाँ विधायकों के आने का सिलसिला जारी है, तमाम विधायकों से भी हमने बात की, अरुण साव से भी कल भी हमने बात की थी, आज भी बात की, वो इनकार बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वो ये जरूर कह रहे हैं कि पार्टी अगर कोई जिम्मेदारी देगी तो वो जिम्मेदारी निभाने के लिए रमन सिंह से भी कल जब हमने पूछा था किस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है और इस बैठक में नामों को लेकर चर्चा हो रही है, सभी से 1-to-1 बातचीत करते हुए किस तरीके से उनकी राय जानने की कोशिश की जा रही है, इन्हीं बैठकों पर आप नजर बनाए रखें राजीव, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया।